हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साधिका की हनुमान साधना के द्वारा कैसे उन्हें देवी दर्शन हुए और भगवान शिव के भी आज के अनुभव के माध्यम से हम लोग जानेंगे, साथ ही उनके प्रश्नों का जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं इनके अनुभव को। हेलो, प्रणाम गुरु जी। अगर आप वीडियो बनाना चाहते तो मेरा नाम, मेरा ईमेल आईडी ये सब डिस्क्लोज मत कीजिए। मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, 4 साल के बच्चे की, और मैं सॉफ्टवेयर फील्ड में काम करती हूँ। मेरा जो अनुभव है उन दिनों का बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी और हॉस्टल में रहा करती थी। मैं पहले से हनुमान जी के भक्त हूँ स्कूल के टाइम से ही, लेकिन हॉस्टल में जाने के बाद माता पिता नहीं थे और दोस्त थे, उतना ये नहीं हो पा रहा था सबसे उतना अटैचमेंट, इस वजह से मैं और ज़्यादा हनुमान जी के भक्त बन गई। तो रोज़ पूजा पाठ और फूल चढ़ाना, मंत्र बोलना, दिन में 3-4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब करती थी। तो एक दिन मेरे सपने में हनुमान जी आए। उनका आकार बहुत ही विशाल था, ऐसा लग रहा था उनका देह जो है पत्थर से बना हुआ है, लेकिन आकार से पता चल रहा था कि वो हनुमान जी है। उसके बाद से मेरा जो है लाइफ में प्रोग्रेस बहुत अच्छा होते चला गया। बहुत मुझे अच्छा सा जॉब मिला, जो भी मैं हनुमान जी से मांगती थी सब मिलता था। फिर मैं वैसे ही पूजा पाठ करती थी। उसके बाद मेरा जो मीटिंग हुआ मेरे हस्बैंड के साथ, मैं मिली पहला बार। हम लोग का एक लव मैरिज है, वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं और मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करती हूँ। फिर हम लोगों में अटैचमेंट बढ़ता चला गया। फिर घर में पता चला, घर वालों को भी बोला, क्योंकि हम दोनों ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और सब लोग मान गए। मेरे हस्बैंड के माता पिता नहीं है, सिर्फ एक दादी है जो बुआ लोग के घर के बगल में रहती है, और वैसे हम लोग का शादी हो गया। शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन काम के वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से मैं भगवान से उतना विश्वास नहीं बोल सकते, उतना पूजा पाठ वगैरह उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि भगवान से थोड़ा सा ऐसे दूरी बन गया, जैसे हनुमान जी से ऐसा लगता था कि मैं पहले लगता था कि मैं बात करती हूँ तो जवाब देते उसका, लेकिन बाद में उतना अटैचमेंट नहीं रहा जैसे कोई बच्चा अपने घर से विदा हो जाता है वैसे जैसा। और हमेशा मेरा जो है हनुमान जी से जो अटैचमेंट है वो एक बच्चे की तरह, जैसे मैं उनकी पुत्री हूँ वैसे। उसके बाद जो है फिर मेरा एक अबॉर्शन हो गया, फिर एक और प्रेगनेंसी हुआ, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थे। उस टाइम पे मैं फिर से हनुमान जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करने लगी, रोज़ पूजा पाठ वगैरह। फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के बाद मेरा डिलीवरी हुआ, जो एकदम इम्पॉसिबल था। ये से बहुत आप एप्ला सिंड्रोम के बारे में सुनेंगे, जिसमें जो है हर जगह ब्लॉक होने लग जाता है, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो वैसे कंडीशन में भी चमत्कारी तरीके से मेरा जो है डिलीवरी हो गया, और बहुत अच्छा बच्चा है, हनुमान जी की कृपा से हुआ है। एकदम दिखने में भी सब बंदरों वाले हरकत है उस बच्चे के, बहुत सुंदर काय, बहुत इंटेलिजेंट बेटा है मेरा। उसके बाद जो है मेरा एकदम हनुमान जी का पूजा वूजा से पूरा उस माइंड डिविएट हो गया था। फिर उसके बाद मैं सिर्फ मॉर्टल चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करने लगी, और आध्यात्म से तो बहुत दूर दूर तक नाता नहीं था। फिर कुछ कारण की वजह से मुझे अपने ससुराल में जाके रहना पड़ा, क्योंकि मेरे पति जो है बाहर विदेश जा रहे थे काम करने के लिए, और बच्चा भी छोटा था तो ले के जाने में सब लोग डर रहा था, तो वहाँ रहना पड़ा। वहाँ पे माहौल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है घर पर, और एक देवा है जो घर पर नहीं रहते कुछ कारणों की वजह से, सिर्फ दादी है और बगल में बुआ लोग हैं। और बुआ लोग तो अच्छी है, लेकिन उनके आदत की वजह से वो लोग हमेशा दादी को है जो है कान भरते रहते हैं, तो उस वजह से जो है हम लोग का बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, सब होता था। फिर ऐसे ही 3-4 बार हम लोग को रहना पड़ा। जब आखिरी बार हम लोग रहे तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ बोला मुझे, उसकी वजह से बहुत बुरा लगा और बहुत दुख भी हुआ। फिर उसके बाद
एक और ऐसा मौका आया जब मुझे घर से बाहर रहना पड़ा कोई काम के लिए, तो मैं ससुराल नहीं गई, अपने मायके आ गई। और मायके आने के बाद मैंने आपका चैनल देखना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे पति भी आपका चैनल देखते हैं। और जो है मैं बहुत खुश हो गई आपका चैनल देख के, मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। फिर मुझे लगा कि मैंने जो आध्यात्म का मार्ग और हनुमान जी की तरफ जो ये भक्ति का मार्ग जो छोड़ा था, मुझे फिर से अपनाना चाहिए। फिर मैंने रोज़ हनुमान चालीसा का जाप पूजा पाठ करना चालू किया। फिर ऐसे ही कुछ 6-7 दिन हुए होंगे, मैंने संकल्प लेके 11 बार रोज़ हनुमान चालीसा का जाप करना चालू किया। फिर 6-7 दिन के बाद मुझे एक दिन जो है, मैं बहुत भक्ति से जाप कर रही थी, उस दिन मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैं ये जब जाप कर रही थी तब मुझे एक देवी के दर्शन, पहले शिव जी के दर्शन हुए। पूरा बाल खोल के आसमान के नीचे, सितारा वाला आसमान था, स्टारी नाइट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, पूरा अपना बाल खोल के अच्छे से नृत्य कर रहे थे। और एक तरफ एक माता थी जो एक पूरा लाल वस्त्र, लाल साड़ी में थी और हल्के आभूषण पहने थे उन्होंने, बाल उनके खुले थे और सर पे एक चूड़ा टाइप का बना हुआ था, नीचे पूरे बाल बिखरे थे। और जो है माता हाथ में वीणा लेके बजा रही थी और शिवजी नृत्य कर रहे थे। हम मुझे ऐसा आभास हुआ कि वो शिवजी भी है और एक टाइम पे हनुमान जी भी है, जैसे ऐसे बोल रहे हो कि मैं उन्हीं का एक रूप हूँ जैसे। फिर मुझे सपने में समझ में नहीं आया वो कौन सी माता है। जब मैंने गूगल में सर्च किया उन माता के डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो मैंने देखा था उनके हिसाब से, वो माता मातंगी निकली। तो मुझे ये जानना है कि मैं जो कर रही हूँ ठीक है कि नहीं, और मेरे जो मेरे साथी ससुराल में हुआ है, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पति जो है वो विदेश के काम छोड़ के आ गए, और मैं चाहती हूँ फिर से उनका तरक्की हो, उनके साथ अच्छा हो, और मैं ऐसे सब कोई कलंक नहीं चाहती हूँ, तो मैं ये ठीक कर रही हूँ। और मुझे आप ये सब में गाइड कीजिए, धन्यवाद, प्रणाम। जैसा कि आपने इनका अनुभव सुना, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हनुमान जी की साधना से अनगिनत लाभ व्यक्ति को होते ही हैं। ऐसा इनके साथ भी हुआ। लेकिन कुछ बातें जो है हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो ऊर्जा हमें जिस देवता के माध्यम से प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का सही से उपयोग करना आना चाहिए। जब हमारी भक्ति सच्ची होती है तो हम उस देवता से जुड़ने के बाद में सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि हनुमान जी की भक्ति अपने आप में सर्वोत्तम है, लेकिन जहाँ तक विवाह, प्रेम और इस तरह की चीज़ें हैं, उन चीज़ों में यहाँ पर भगवान हनुमान जी जो हैं वो कारगर उतने साबित नहीं होते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन से उनका संबंध नहीं है। लेकिन क्योंकि भक्ति जब सच्ची होती है तो वो मार्ग भी दिखाते हैं। उन्होंने बताया कि आपको सपने के माध्यम से कि आप, क्योंकि मैं भी भगवान शिव का ही स्वरूप हूँ, और भगवान शिव में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनका ही अंशा बता रहे हैं भगवान शिव का हनुमान जी। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप मेरे उस स्वरूप और रूप की साधना कीजिए जो आपके गृहस्थ जीवन को सर्वोत्तम बनाए। तो गृहस्थ जीवन अगर सर्वोत्तम बनाना है तो उसमें माता मातंगी और भगवान शिव का जो मतंग रूप है वो सर्वोत्तम माना जाता है, और ये पारिवारिक सुख के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो हनुमान जी ने कहा कि आप मेरा जो नाम जप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन अगर आपको अपने भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ सुख चाहिए तो फिर आप अपने जो पारिवारिक सुख है उसको प्राप्त कीजिए। और जो पारिवारिक सुख है उनकी जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी देवी हैं वो माता मातंगी ही हैं। माता मातंगी वीणा का जैसे वादन करती हैं, वैसे ही जीवन में वीणा बजने लगती है व्यक्ति के सुख की। अगर पति पत्नी के बीच का प्रेम बढ़ाना हो, उनके बीच में आपस में सामंजस्य बिठाना हो, तो ये कहा जाता है कि दशमहा विद्या में देवी मातंगी साधना से सर्वोत्तम और कोई साधना नहीं होती है। देवी मातंगी पत्नी रूप में माता पार्वती ही हैं, और पुरुष रूप में मतंग ऋषि यानी मतंग शक्ति के रूप में भगवान शिव हैं, जो उनके स्वामी वहां पर विद्यमान हैं।
ये गृहस्थ जीवन या पृथ्वी लोक में विशेष रूप से गृहस्थ जीवन के परिचायक कहलाते हैं। और कहा भी जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो रहा हो और कोई समस्या किसी वजह से आ रही हो तो भगवान शिव और देवी मातंगी की पूजा उपासना दोनों लोगों को करनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे दोनों लोगों के बीच के संबंध बहुत ही अच्छे हो जाए। भगवान की कृपा से आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार आएगा। आप सिर्फ इतना कीजिए कि हनुमान जी की जो आप पूजा और उपासना करते हैं उसके साथ में आप देवी मातंगी और भगवान शिव की भी आराधना अवश्य कीजिए, और इससे आपका भौतिक जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं या आ रही हैं वो सारी नष्ट होने लगेंगी या समाप्त होने लगेंगी। और कुछ जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जिसकी वजह से कष्ट आते हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम भौतिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करते रहें। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं और उनके अकेली उपासना सर्वोत्तम है, लेकिन विशेष रूप से अगर कहा जाए तो हनुमान जी की साधना सन्यासियों, साधुओं और उत्तम प्रकार के जीवियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। लेकिन जहां तक गृहस्थ सुख की बात है, क्योंकि वो स्वयं गृहस्थ नहीं है, इस कारण से आपको उन्होंने संकेतात्मक रूप में बता दिया है कि आपको किसकी साधना करनी चाहिए जिससे आपका जो भौतिक और पारिवारिक सुख है उसको आप अच्छे से प्राप्त करती रहें। बाकी सब कुछ आपको स्वतः ही मिलता चला जाएगा, क्योंकि उनका ही रूप स्वरूप भगवान शिव है, शिव का ही अंश भगवान हनुमान जी को माना जाता है और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में हनुमान जी को हम जानते ही हैं। इसलिए उनकी कृपा से सब व्यक्ति हर प्रकार के दुख, दरिद्रता और किसी प्रकार की समस्या वो सबसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन जब हम परिवार में होते हैं तो हमारे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें ब्रह्मचर्य भी हमको तोड़ना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो पति पत्नी के बीच का जो एक आंतरिक प्रेम होता है वो सब करना पड़ता है। लेकिन हनुमान जी जहाँ हैं वो पूर्ण तरह बाल ब्रह्मचारी देवता हैं, इसी कारण से उनकी साधना और उपासना उस दौरान अच्छी नहीं मानी जाती है। हालांकि वो सर्वोत्तम है और सब कुछ देने में सक्षम भी हैं, लेकिन जैसा साधक होता है देवता वैसा ही होता है, और देवता जैसा होता है वैसे ही उसका साधक बनने लग जाता है, तो उसलिए पारिवारिक समस्याएं आने लग जाती। तो उन्होंने विशेष रूप से ये मार्ग आपको दिखाया कि आपको क्या करना है। आपको दश महाविद्या में देवी मातंगी की भी साधना अवश्य ही करनी है ताकि आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आ सके। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।